श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट के तत्वावधान में लोहा मंडी स्थित अग्रसेन धर्मशाला में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का भव्य अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। अग्रवाल समाज का रामनगर जयपुर हाउस का संस्थापक हूँ। संस्थापक के नाते मेरी एक ड्यूटी होती है कि इन कार्य को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलता रहे। विगत 40-42 वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहा है। जयंती निकाल देते हैं, कुछ कार्यक्रम कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इसकी बार हमने ये सोचा है कि इसके लिए अलग ट्रस्ट बनाएं। इसके लिए सबसे पहले प्रयास किया गया यहाँ से लेकर के अमित अग्रवाल एडवोकेट द्वारा, फिर मुकुल गर्ग एडवोकेट द्वारा, फिर अनुराग मित्तल के द्वारा इन्होंने प्रयास किया, पर सफलता हमको मुकुल गर्ग के द्वारा मिली गई। मुकुल गर्ग ने जब कार्यकारिणी के सदस्य थे, इन्होंने वहाँ पर प्रस्ताव पास कराया, नवीन जैन को मौके पर आकर के प्रताप नगर चौराया और पूरा एरिया दिखाया। दिखाने के बाद वृंदा डॉक्टर वृंदा के सामने एक तिकोना पार्क है, उसको दिखाया गया, वो सजेस्ट सतर्क से पास किया गया। उसके विकास के लिए मुकुल गर्ग ने कुछ काम किया है। आगे भी हमें अभी इसको श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट बना दिया गया है प्रताप नगर जयपुर हाउस के लिए, और ये सहानुभूति से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले आगे आने वाले 2 महीनों के अंदर हमें विश्वास है कि हम मूर्ति का उद्घाटन कर देंगे। और मूर्ति के जैसे हमारे अग्रवाल साहब, बी डी अग्रवाल साहब ने कहा, राकेश जी ने कहा कि इसकी सफाई के लिए हमने एक सजेशन दिया है मुकुल गर्ग को कल, कि उसके पीछे हम एक पाइप देंगे ऊंचा, और उस पानी आएगा नीचे से प्रेशर से तो उसको ड्राई कर देंगे, किसी की कोई परेशानी नहीं हो। हर बार इस तरह की व्यवस्था हमने रखी हुई है। ट्रस्ट अग्रवाल संघ रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जयपुर हाउस का। ये यहाँ के जो नवयुवक बच्चे हैं उन्होंने बनाया हुआ है, और एक कोई पार्क है उसमें महाराजा अग्रसेन जी की और महारानी महालक्ष्मी जी की, कुलदेवी जो महारानी है हमारे अग्रकुल की, उनकी भी प्रतिमा लगाने का, जैसा मुझे मुकुल जी ने बताया, इनका प्रोग्राम है। और उसका मंदिर का रूप देने का इनका वो है कि मंदिर की जैसे दैनिक पूजा हो उसकी, भाई साहब ने भी बताया था, बीटी भाई साहब ने, कि उसकी दैनिक पूजा होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा इनका विकल्प है, अच्छी बात है। अगर मूर्ति प्रतिष्ठा होती है तो सब लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जयपुर हाउस, प्रताप नगर और पूरे आगरे में हमारे पूज्य पूर्वज महाराजा अग्रसेन जी महाराज की प्रतिमा लगने जा रही है, और उनके साथ में हमारी कुल देवी माँ लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा लगने जा रही है। ये बड़ा हर्ष का विषय है, और इसके लिए नगर निगम से बाकायदा हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद मुकुल जी ने परमिशन ले रखी है। सब काम लीगल होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। पूरा शहर इसके लिए आप सब लोगों को बधाई दे रहा है, अपनी पूरी नवयुवक टीम को बधाई दे रहा है, और आपके माध्यम से सबसे हम कहना चाहते हैं कि इस कार्य में सभी लोग अपनी सहभागिता दिखाएँ और इसमें उनका लाभ कमाएँ। भैया देखो, ऐसा है, आज ये औपचारिक मीटिंग है। मैं आपको बता दूं, ये अग्रवाल संघ प्रताप नगर वालों ने ये रजिस्टर कराई है, संघ ने रजिस्टर संस्था कराई है मूर्ति के लिए। बहुत अच्छा काम है, मालूम तो हमें पहले से था, लेकिन आज हम सब लोगों को बुलाया है और इन बच्चों ने किया है। मुकुल गर्ग हैं, आशु हैं, इन सब ने पूरी इन्होंने कार्यकारिणी घोषित नहीं बताई है, इन्हें बताना चाहिए था पहले। कोई बात नहीं है, बता देंगे कौन कौन क्या क्या है, समझे। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। तो मूर्ति का जो आज कार्यक्रम इन्होंने किया है, उसके संग सौंदर्यीकरण उसके कोने पार्क का होगा जो, तो डॉक्टर बिंद्रा के सामने। तो हमने 2 प्रस्ताव यहाँ से आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं। एक तो वहाँ पर जो कूड़ा घर है वो हटना चाहिए परमानेंट, दूसरा शराब की दुकान सामने उस मार्केट में खुली हुई है वो बंद होना चाहिए, तभी हमारा ये कार्य जो प्रतिमा का है वो हमें अच्छा लगेगा। और इसी के साथ साथ डॉक्टर चंदनलाल पारासर जी जो सबके गुरु जी थे, संस्कृत महान विद्वान थे, पंडित थे, और उनकी मूर्ति भी वहाँ पर लगेगी, वो भी नगर निगम से अप्रूव हो चुकी है। ये इसके बारे में आज यहाँ पर एक छोटी सी गोष्ठी और किए गई है लोगों की समझ में, जो कि इसका खर्चा हम सब लोग उठाएंगे, और ये जल्दी से जल्दी मैं समझता हूँ ये सारा कार्य 2-3 महीने में होना चाहिए, ऐसा हम लोगों की सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। पार्क के अंदर एक छोटा पार्क है हमारा प्रताप नगर चौराहे पर डॉक्टर बिंद्रा के पास। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहता हूँ, श्री महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति और लगे, और उसमें पंडित जी रखे, यहाँ डेली उसकी पूजा हो, रख रखाव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये अग्रवाल समाज के द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है। इसमें हमारे प्रताप नगर और जयपुर हाउस पूरा एरिया लगा हुआ है और इस कार्यक्रम के लिए पूरा आगरा अग्रवाल समाज का पूरे आगरा ही सहयोग कर रहा है। मेरे को कल मालूम पड़ा है इन्होंने करीब 1000 मेंबर कल बनाए हैं जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया है और इसमें जो खर्चा भी आएगा खर्चे के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। सभी अग्रवाल समाज के लोगों ने वायदा कर दिया है जो हमसे चंदा चाहिए लीजिए, पार्क वगैरह सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा करें, करने के बाद इसका जो है रख रखाव को अच्छा करें। हमने देखा है कि बहुत सी मूर्तियां लग जाती हैं उसके बाद कबूतर बैठते हैं, सफाई नहीं होती है। हमारा विचार यह है कि इसके पंडित जी रहेंगे, रख रखाव भी अच्छा रहेगा और डेली इसका जो है पूजन भी होता रहेगा, ऐसा होना।